सत श्री अकाल आदाब जय हिंद। आज हम फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं हमारा मैथ का। हम आज कंपटीशन की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आज शुरू करेंगे मैथ, आगे जाके इंग्लिश भी शुरू करेंगे, जीके भी शुरू करेंगे, रीजनिंग भी शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट दोगे, हमें प्यार दोगे, हम उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, हम मैथ के बारे में आपको डिस्कस कराएंगे, आज का ट्रिग्नोमेट्री शुरू करवाएंगे। जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, हम उतनी ज़्यादा वीडियो और आपको प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मैथ की। बेसिकली मैथ को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, आप देख रहे हो। बेसिकली मैंने मैथ को तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पार्ट अलजेब्रा, तीसरा पार्ट क्वांट। क्वांट के नीचे लिखा मैंने बैंकिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, जैसे बच्चे एसएससी वगैरह, एनटीपीसी, ग्रुप डी और गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर देते हैं, तो उन बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो उसके बाद तो पहले जो हम शुरू करेंगे वो क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, उसके बाद क्या करेंगे क्वांट। क्वांट जिसे कह दिए बैंकिंग मैथ। अब ये बात नहीं है कि बैंकिंग के चैप्टर कभी भी एसएससी या एनटीपीसी या ग्रुप डी में नहीं आते, वो भी आते हैं। इसलिए हमें ऑल ओवर ही सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अलजेब्रा कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद में क्वांट कंप्लीट कराऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो मैं लेक्चर दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के मैं 30 लेक्चर इन ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कराऊंगा, 20 लेक्चर में अलजेब्रा कंप्लीट कराऊंगा और 45 लेक्चर में क्वांट कंप्लीट कराऊंगा। इसलिए आज आपका टाइम ना लेते हुए मैं सीधा बात पे आता हूँ। तो मैं क्या कर शुरू करूंगा आज, मैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली हमने किया क्या है, वैसे बेसिकली हमने ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे आप देख रहे हो ट्रायंगल और जियोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट डिवाइड किए हैं, ट्रायंगल और जियोमेट्री। ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल का जैसे मैंने एंगल दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये हमारा P जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हमारा H जिसको हाइपोटेनस बोल देते हैं और ये हमारा बेस। बेस कैसे पता लगता है, जिस एंगल से हम देख रहे हो, मान लो हम इस एंगल से देख रहे हैं, हम इस एंगल से देख रहे हैं तो हमारा बेस क्या होगा, नीचे वाला, और उसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। मान लो हम इधर से देख रहे हैं, इधर से तो हम इधर से देख रहे हैं तो हमारा बेस तो ये वाला हो गया और उसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर 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 हम ऊपर से देख रहे हैं, मान लो इधर से एंगल देख रहे हैं इधर से, तो उस वक्त ये हमारा बेस होगा और सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ठीक। जरूर नहीं है हमेशा बेस नीचे होगा, बेस ऊपर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर बेस के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब मैंने माना कि हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कोई एंगल है जो हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, तो उसके सामने वाला मैंने कह दिया क्या है, परपेंडिकुलर। अब मैंने माना ये बी है बेस, ये बी है परपेंडिकुलर और ये एच है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब हमें भी पता है, जब हमें एक एक बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो हाइपोटेनस निकालने का क्या फार्मूला है, हाइपोटेनस निकालने का फार्मूला एच डी स्क्वायर PD square plus BK square. Okay. तो इससे क्या फाइंड होगा, इससे हमारा H फाइंड हो जाएगा, ओके। तो अब हम बात आ जाए जियोमेट्री की। जियोमेट्री में क्या होता है, जियोमेट्री में होता है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। जियोमेट्री कितने कोऑर्डिनेट्स बनाए मैंने, एक दो तीन चार, ठीक है, चार कोऑर्डिनेट्स बनाए। पहले कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, X की क्या होता है, पॉजिटिव, X पॉजिटिव। दूसरे में कोऑर्डिनेट में X नेगेटिव, फिर y पॉजिटिव, फिर y नेगेटिव। इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे कोई कोण x की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब इस लाइन पे जो भी एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारा कोई एंगल इधर बन रहा है तो वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर हमारा एंगल इधर जा रहा था तो ये पॉजिटिव, अगर ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, ओके। अगर हमारा कोई एंगल इधर बन रहा है, इधर, तो इधर पता है भी ये नेगेटिव है तो एंगल भी नेगेटिव होगा। अगर हमारा एंगल इधर बन रहा है तो इधर क्या है, नेगेटिव, तो भी इसे इधर भी नेगेटिव होगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, मैंने क्या कहा था, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट बनाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल और जियोमेट्री। ट्रायंगल में क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स एक बार रख देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या कहा था भाई, जिस आंख से देख रहे हो इसको आप मान लो, जिस आंख से देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ओके। यहां से देख रहे हो, यहां से ये एंगल है, इधर एंगल से देख रहे हो तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर।
अगर हम इधर से देख रहे हैं इधर से, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैंने क्या माना था, मैंने माना था मैं एंगल इधर से फाइंड कर रहा हूं, तो उसने एच निकालने को कहा था, तो एच का हाइपोटेनस जिसे बोल देते हैं, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है, पी की स्क्वायर बी की स्क्वायर रूट में बराबर एच की स्क्वायर। ओके, तो अब बात करें कोऑर्डिनेट्स की, मैंने कहा था कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, चार, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव। मैंने कहा था कोई एंगल इधर बन रहा हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव का, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। मैंने कहा अगर कोई एंगल इधर बन रहा हो तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा वाई क्या है, पॉजिटिव। अगर कोई एंगल इधर बन रहा हो इस लाइन पे तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमारा एक्स क्या है, नेगेटिव। अगर कोई एंगल इस लाइन पे बन रहा हो तो हमारा वाई क्या होगा, वाई नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव। ओके, अगर इतनी चीज आपको कंप्लीट है तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 अजम्पशन आनी चाहिए, जैसे मैंने कहा लिखा है साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हाँ साइन थीटा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई इसको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले इस पर। ठीक, इसे हमारा साइन थीटा निकल गया, ये हमारा कॉस थीटा आ गया, ये हमारा टेन थीटा आ गया। ठीक, अब जब हमें ये आ गया तो हमें साइन का ध्यान रखना, साइन साइन के ऑपोजिट क्या होता है, कोसेकेंट। साइन के ऑपोजिट क्या होता है, कोसेकेंट। कोसेकेंट की वैल्यू क्या है, इसके उल्टा कर दियो, इसके उल्टा, जैसे ये हमें दे रखा पी बटा एच, यहाँ पे कर देना एच बटा पी। ओके, कॉस थीटा के उल्टा क्या होता है, सेकेंट थीटा। सेकेंट थीटा हमें दे रखा है बी बटा एच, यहाँ पे दिख देना एच बटा बी, उसका ही ऑपोजिट, यहाँ पर बी बटा एच, यहाँ पर एच बटा बी, यहाँ पे क्या था पी बटा एच और यहाँ पे एच बटा पी। ओके, यहाँ पे दे रखा है tan थीटा, tan थीटा है हमारा p बटा b, और यहाँ पे आ गया उसका ऑपोजिट cot थीटा होता है b बटा p। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, मैंने क्या कहा था, मैंने हमें अजप्शन है 6 अजप्शन आनी चाहिए, sin थीटा cos थीटा tan थीटा। मैंने कहा था sin थीटा किसके इक्वल है, p बटा h के, cos थीटा b बटा h के, tan थीटा p बटा b के। ओके, तो इसके ऑपोजिट क्या आ गया, साइन के ऑपोजिट मैंने बता दिया कोसेकेंट है, कोस के सेकेंट है, और टैन के ऑपोजिट क्या आ गया, कोट थीटा आ गया। ठीक है, ये अजप्शन हमें एक बार पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आने वाली ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी सम करेंगे उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एक या दो बार पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा बार नहीं पढ़ना, उससे आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जैसे यहाँ पर हमने कर रखा है साइन थीटा और कोस थीटा, देखो साइन थीटा, साइन थीटा दिया है पी बटा एच, कोस थीटा, कोस थीटा दिया हुआ है बी बटा एच। ठीक, अगर मैं इन दोनों को भाग कर दूं, मैंने कहा इन दोनों को भाग कर दूं, अगर इनको भाग कर दूंगा तो एच कट जाएगा, एच कट जाएगा, एच कट जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास एक तो पी और नीचे पी, P बटा P, मतलब हमारे पास क्या निकला है, tan थीटा। इसका मतलब जब भी साइन और कोस की डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, tan थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब भी साइन और कोस थीटा दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा कितना था P बटा H, कोस थीटा कितना था B बटा H, दोनों को डिवाइड कर दिया तो H H कट गया, हमारे पास क्या आ गया, P बटा B, P बटा B जो हमारा आया वो कितना आ गया, tan थीटा। बात करने जा रहे थे कोऑर्डिनेट्स की, हाँ, तो मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए, 0 90 180 270, और जहां पर 0 लिए वहां पे 360 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 360 को भी कंप्लीट करना है। हाँ, क्योंकि हमारा जो सा सर्कल होता है वो कितने का होता है, 360 का, इसलिए 360 पे जाके कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब बेसिकली इसको कितने कोऑर्डिनेट्स में बांटेंगे, 4 कोऑर्डिनेट्स में। हाँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स, थर्ड कोऑर्डिनेट्स, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स। इसकी जरूरत क्या है, हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के सम करेंगे वहां पे क्वेश्चन आएंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट, तो तब ये वैल्यू पुट होगी। ठीक है,
तो हमारे क्वेश्चन जो भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, हम वो कहेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, उन कोऑर्डिनेट्स में जाके ये वैल्यू पुट होगी, इसलिए हमें इनको समझना पड़ेगा और इनको बिल्कुल देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, इसको कोई डिफिकल्ट नहीं लेना, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, कोई बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं वापस बात पे आता हूँ अपनी। तो ये एंगल है, अब यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एंगल बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एंगल बनेगा मैंने कहा वो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि जो हमारा यहाँ पर एंगल बना वो जीरो से बड़ा है। ओके, अब सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया तो जो सा एंगल बनेगा वो किससे बड़ा होगा, 90 से। क्योंकि हम कैसे घूम रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो यहां पर सेकंड कोऑर्डिनेट में जो भी एंगल बनेगा वो 90 प्लस थीटा। ठीक, अब हम आगे तीसरे कोऑर्डिनेट में, तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जो एंगल बनेगा वहां पे क्या आ गया, 180 प्लस थीटा। वो भी सही, क्योंकि थर्ड एंगल है, थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट में जो बनेगा वो 180 से बड़ा होगा। अब बात करते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट की, फोर्थ कोऑर्डिनेट जो भी हुआ वो किससे बड़ा होगा, 270 से, 270 प्लस थीटा। पहला रूल तो हमारा ये चलेगा। ओके, अब हम वापस फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आ गए, अब जहां पर जो एंगल होगा मैंने कहा था जीरो से तो बड़ा होगा, जीरो से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 90 से। जीरो से तो बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब यहां पे बात करते हैं, मैंने कहा था वो 90 से तो बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा, 180, 180 माइनस थीटा। अब मैंने कहा ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट में जो होगा 180 से तो बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा, 270 से, तो 270 माइनस थीटा। ओके, अब फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, मैंने कहा था जो एंगल होगा वो किससे बड़ा होगा, 270 से बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा, जीरो से, तो जीरो माइनस थीटा। ओके, जीरो माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है भाई यहां पर जो एंगल होगा 270 प्लस, यहां 270 से तो बड़ा होगा लेकिन जीरो से छोटा होगा। ओके, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हमारा, 360, 360 से भी क्या होगा, छोटा होगा, जीरो से भी छोटा होगा और 360 से भी छोटा होगा। ठीक है, हाँ, और हमारा जो सा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, एक बात फिर से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो किससे बड़ा होगा, जीरो से तो बड़ा होगा, प्लस किससे बड़ा होगा, 360 से, क्योंकि हमने यहां पर दो वैल्यू ली है, एक तो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, एक 90 से छोटा होगा, एक 360 है, 360 से भी बड़ा होगा, 360 प्लस थीटा। ठीक, ये हमारी वैल्यू है, आगे जाके पुट होगी, तो इसे ध्यान से देखना, आगे जाके हमें सम आएंगे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, कौन से कोऑर्डिनेट्स में है, वहां पे हमें पुट करनी पड़ेगी। इसलिए बेसिकली आपको छोटी सी बात है ये समझानी चाहिए, क्योंकि ये आएगी हमें समझ, तो भी हमें आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, तो अगले लेक्चर में मैं फिर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट लेके आऊंगा। तो बेसिकली मैं क्या, अभी आपको सम नहीं करवाऊंगा, अभी 3-4 दिन आपको बेसिक ही समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एसएससी के जितने पुराने पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या बेस स्ट्रॉन्ग करना है, बेस स्ट्रॉन्ग। तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो सम निकलेंगे, आज पहले दिन सम करवा दूं उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अभी 3-4 लेक्चर में आप समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आपका दिन शुभ मंगल हो। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू।